दोस्तों आखिरकार पांचवे T20 मुकाबले में ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान को दी ट्रॉफी, तो ये दरिया दिली देखकर धोनी का भी पिघला दिल और ऋषभ पंत पर बड़ा बयान देते हुए कुछ ऐसा कह डाला कि सुनने के बाद आप भी जरूर सलाम ठोकोगे। तो दोस्तों आखिरकार क्या बोले महेंद्र सिंह धोनी, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि धोनी और पंत में से कौन है एक अच्छा कप्तान? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप भी धोनी को एक अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला सफलतापूर्वक खेली जा चुकी है। तो वहीं दोस्तों इस T20 श्रृंखला का 5वां T20 मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला गया। तो वहीं दोस्तों इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान इस मुकाबले में केशव महाराज को बनाया गया था और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और भारतीय टीम ने जब शुरुआत में अपनी बल्लेबाजी को शुरू किया तो यहां पर ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला नहीं चल सका। दरअसल दोस्तों दोनों ही विकेट लुंगी एंड गिड़ी ने चटकाए, जहां ईशान किशन 7 गेंदों में 15 रन तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ 12 गेंदों में 10 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। और ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से हम सभी को प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिला, वो तो खैर आज के इस मुकाबले में बारिश ने दखल दे दिया। नहीं तो इस मुकाबले में आज भारतीय टीम अगर जीत जाती तो वो आसानी से इस सीरीज को अपने नाम 3-2 से कर लेती। लेकिन दोस्तों यहां पर भारतीय टीम की तरफ से हम सभी को काफी अच्छा प्रदर्शन इस पूरी ही श्रृंखला में देखने के लिए मिला। और ऐसे में दोस्तों अब भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा बयान सामने निकल कर आया, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ ऐसा कहकर भारतीय टीम को इस सीरीज में जीत की तरफ बढ़ा दिया। दरअसल दोस्तों यहां धोनी कहते हैं कि भारत भले ही इस सीरीज को अपने नाम नहीं कर पाया हो, लेकिन हमें भारतीय टीम पर गर्व है क्योंकि टीम के हर एक खिलाड़ी ने अपनी फील्ड में जबरदस्त प्रदर्शन कर दिखाया है। और मेरा मानना यह है कि टीम का अगर हर एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, भले ही टीम जीते या फिर ना जीते ये आगे की बातें हैं, लेकिन अगर टीम का हर एक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में अच्छा बदलाव कर उतरता है और हर एक मुकाबले में 100% तक देता है तो ये टीम के लिए काफी अच्छे संकेत है। मेरा मानना यह है कि इस साल T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम तैयार हो रही है और ऐसे में अब ऋषभ पंत को भी अपनी कप्तानी में कुछ सुधार करने होंगे और साथ में कुछ खिलाड़ियों को भी और मौके देने होंगे, जिसके चलते हम सभी को ये पता चल सके कि आखिरकार टीम इंडिया कितनी प्रिपेयर है। तो वहीं दोस्तों आगे महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि ये T20 श्रृंखला भारतीय टीम के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी थी। हालांकि शुरुआती दो मुकाबले साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ भारत भले ही हार चुका था, लेकिन आगे जैसे जैसे भारत ने मुकाबले जीते हैं वो काबिले तारीफ है और उनकी गेंदबाजी में वो प्रदर्शन हम सभी को देखने के लिए मिला जिसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम जानी जाती है। और ऐसे में अगर ये प्रदर्शन आज पांचवे T20 मुकाबले में भी अगर भारत की तरफ से हमको देखने के लिए मिलता तो शायद ये पांचवा T20 मुकाबला भी हम अपने नाम कर सकते थे। खैर जो भी हुआ, भारतीय टीम को आगे के मुकाबलों के बारे में अब सोचना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आगे होने वाली आयरलैंड के खिलाफ सीरीज को जरूर भारतीय टीम जीतेगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने काफी बड़ा बयान भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर दिया और साथ में लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी की क्या राय है धोनी के इस बयान के बारे में? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।